नमस्कार, आप देख रहे भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। दुनिया में रहने वाले समुदाय और जातियों के काफी अलग अलग रहन सहन हैं। बहुत सारे रिवाजों को तो हम जानते भी नहीं हैं। कई ऐसी जनजातियां हैं जो अपनी अजीबो गरीब मान्यताओं के लिए चर्चित है। इनके बारे में जानकर आम तौर पर हम और आप लोग हैरान हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह और समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर पुरुषों को महिलाओं की तरह जिंदगी बिताने पर मजबूर होना पड़ता है। इंडोनेशिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन एक खास समुदाय के मुस्लिम लोग गालों पर लाली और होठों पर लिपस्टिक लगाकर सजते संवरते रहते हैं। जी हाँ, इस समुदाय में पैदा होने वाले पुरुष भी औरत के रूप में अपनी पूरी जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। दरअसल इंडोनेशिया के वारिया मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसी ही अभिशप्त जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बताया जाता है कि वारिया शब्द वनिता और पिया को जोड़कर बना है, जिसमें वनिता मतलब महिला और पिया का मतलब पुरुष होता है। यह कम्युनिटी भी उसी तरह अपने धर्म और आदर्शों का पालन करती है जिस तरह दुनिया के अन्य मुस्लिम समुदाय करते हैं, लेकिन इनको यही बात दूसरों से अलग बनाती है। जब भी इस समुदाय में किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक सामान्य बच्चे की तरह ही होता है। पुरुषों के रूप में जन्म लेने वाली शख्स को लगता है कि उसका शरीर तो पुरुषों का है, लेकिन उसकी आत्मा महिलाओं की तरह है। इसलिए समुदाय में जन्म लेने वाले बच्चे को कुछ समय के बाद महिलाओं की तरह ही हाव भाव में रहना पड़ता है, महिलाओं की तरह बर्ताव करना पड़ता है, महिलाओं की तरह जिंदगी बितानी पड़ती है। उनके चेहरे भले ही पुरुषों की तरह हो, लेकिन उनके हाव भाव, बोलचाल, रहन सहन महिलाओं की तरह हो जाती है। आलम ये है कि कभी कभी तो पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये वास्तव में पुरुष हैं या महिला। एक समय था जब इस समुदाय के लोगों को मस्जिद में इबादत करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन्होंने अपनी पहचान के लिए काफी लंबा संघर्ष किया। धार्मिक आस्था रखने वाले इन लोगों का तब मजाक बनाया जाता जब वे मस्जिद या मदरसे में जाते। सवाल उठते कि इनको महिलाओं की लाइन में रखा जाए या पुरुषों की। इसके लिए काफी लंबे समय तक विवाद चला। आखिरकार इस समुदाय के लोगों की मेहनत सफल हुई और साल 2008 में इंडोनेशिया के योग्याकार्ता नामक जगह पर एक अलग मस्जिद बनाई गई, जो विशेष रूप से वारिया समुदाय के लिए थी। इस मस्जिद में इस समुदाय के लोग आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। इस समुदाय में पुरुषों को महिलाओं का रूप धारण करने में कोई दिक्कत, कोई असहजता महसूस नहीं होती, न ही इसमें इन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस होती है। ये इनके लिए गर्व की बात है। ये अपने रूप और जिंदगी से खुश है। अब तो इनकी पहचान भी है। इन्हें खुदा से कोई शिकायत नहीं है कि इन्हें खुदा ने ऐसा क्यों बनाया। अजीबोगरीब दिखने वाली परंपरा भले ही आम लोगों को नागवार हो, लेकिन इस समुदाय के लोग ऐसे ही जीने की कला को अपनी नियति मानते हैं और वे खुश हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।